जिस दुकानदार से भी लेना उसको बोले यार पक्की स्लिप दे, साइन करो, उस पर लिखेगा कि क्लोन नहीं है, कॉपी नहीं है, ओरिजिनल फोन है, वही दुकानदार फंस जाएगा, उसको पता है कि यहाँ हमारी मौत है। किट पे वन प्लस आजकल बहुत ज्यादा इन हुआ है क्योंकि अमेरिकन फोन है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, पबजी गेम वाले भी लेके जाते हैं। देखें आईफोन यूजर तो आईफोन ही लेता है, वो दूसरा फोन लेता नहीं है। नॉन पीटी आईफोन खरीद लेते हैं, उनको सिर्फ व्हाट्सएप चलाना होता है, अपनी वीडियोस करनी होती, तो एक छोटा सा एंड्रॉइड फोन रख देते हैं, उसका हॉटस्पॉट दे देते हैं और उससे उसका फोन चल जाता है। पीडीए के सिस्टम में जैसे ही आईएमई नंबर दो आते हैं एक जैसे, जो डुअल होता है, जो फेक होता है या जो इसका एमटीके बोर्ड वाले आईएमई नंबर होते हैं, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। जितना भी फोन है वो लेना चाहिए तो ओरिजिनल और ऑफिशियल पीडीए अप्रूव्ड ही लेना चाहिए। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए की जानिब से शहरियों को नई हिदायत जारी कर दी गई। पीटीए की जानिब से जारी करदा बयान में शहरियों को ये मशवरा दिया गया है कि वो क्लोन यानी डुप्लीकेट फोन के इस्तेमाल या उसे खरीदो फरोख से एहतियात बरतें। पीटीए ने बताया कि जब भी आप कभी फ़ोन ख़रीदें तो उसके फ़ोन के बॉक्स पे मौजूद आईएमआई नंबर और फ़ोन का आईएमआई नंबर एक जैसा होना चाहिए। क्लोन फ़ोन क्या होते हैं और ये डुप्लीकेट फ़ोन किस तरह काम करते हैं, इनकी मार्केट में किस तरह पहचान होती है, इसके लिए मैं आज मौजूद हूँ सदर के एक मोबाइल मार्केट में, जहाँ दुकानदारों से पूछते हैं कि क्लोन फ़ोन किस तरह वर्क करता है, किस तरह इसकी पहचान हो सकती है, शहरी किस तरह इसका शिकार बनते हैं। आए मेरे साथ और पता करते हैं। क्लोन फ़ोन बेसिकली होता है कॉपीराइट्स फ़ोन, जो ओप्पो के फ़ोन होते हैं, जो वीवो के फ़ोन होते हैं, बेसिकली आप उसको चाइनीज़ फ़ोन कह लें। क्लोन फ़ोन जो है बेसिकली मार्केट लैंग्वेज को एमटीके बोर्ड कहते हैं, ये चाइना से कॉपियां बन के आती हैं, ज़्यादातर जो है वीवो ओप्पो रियलमी इनकी कॉपियां आती हैं ज़्यादातर बन के, और ये चाइना से ही आ रही है। A57 एक फ़ोन आता है जो ऑफिशियल आता है 3GB, 32GB, 4GB, 64GB, लेकिन वो मार्केट में बिकता है 6GB, 128GB, तो वो कॉपीराइट्स फ़ोन होता है, वो कॉपीराइट फ़ोन होता है, वो बाहर से वो फ़ोन आते हैं, वो ओरिजिनल फ़ोन नहीं होता, वो सालों पहले बंद हो चुका है, अब यहाँ पे वो दोबारा रिफर्बिश होके आता है, चाइना से आता है, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, हॉन्गकॉन्ग से आते हैं, फिर इसके बाद वो फ़ोन पीटीए फ़ोन ब्लॉक होते हैं, वो फ़ोन उसके आईएमई पाकिस्तान में पीटीए फ़ोन होते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल फ़ोन होते हैं वो उसमें कन्वर्टेड बाहर से कन्वर्टेड होके वो फ़ोन आते हैं और वो पाकिस्तान में अप्रूव फ़ोन कहलाते हैं और फिर वो फ़ोन होके बिकते हैं। आजकल जो छोटी मोटी मार्केटों में होते हैं ऐसे फ़ोन जो आजकल ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, वो हमारे पास केसेस आते हैं और हम कई केसेस को संभालते भी हैं क्योंकि दुकानदार से रिफंड भी करवाते हैं, वो बेसिकली चाइना के फ़ोन होते हैं, वो चाइना ओरिजिनल करके वो लोग बेचते हैं, उसका लोकल डब्बा बना लेते हैं, जो फ़ोन 10,000 रुपये का होता है गरीब तबका क्या करेगा, गरीब तबका तो यही करेगा ना जो बस उसका चल जाए। एक्चुअल वो फ़ोन होते हैं 2GB, 3GB के फ़ोन होते हैं जो कि 8GB और 6GB करके दुकानदार बेचते हैं। लेकिन मेरे पास एक मॉडल है, ये ओप्पो का A16, ठीक है, ये बॉक्स वाला है और इसकी GB जो आती है वो ऑफिशियल 4GB, 64GB होती है। इसी का एक क्लोन फोन मार्केट में आजकल आया हुआ है, ठीक है, जो 256GB, 8GB रैम शो करता है। प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में एक इसकी आती है CPU Z, वो आप डालेंगे तो आपको पूरी रैम एक्चुअल रैम शो कर देगा, ठीक है, एक्चुअल रैम शो करेगा कि 4GB की रैम है इसकी और 64GB का या 3GB का या 64GB का, ये चीज़ शो करेगा। पैच अप्रूव एक होता है, ये है कि जैसे पैच अप्रूव एक नया बॉक्स पैक फ़ोन है उसका IMEI शो करता है, लाइक केमन 30 फ़ोन है, अब मैं उसको पैच करवाता हूँ या CPID करवाता हूँ तो मुझे सॉफ्टवेयर वाले को कोई IMEI होता है जो अप्रूव होता है, जो हमारी जेब में कोई फ़ोन होता है वो अप्रूव होता है। बेसिकली जो फ़ोन होता है उसका बेसमेंट जाके चेंज हो जाता है उस फ़ोन के अंदर, जब वो फ़ोन में चेंज हो जाता है तो उसका IMEI ऑटोमेटिक अप्रूव वाला IMEI हो जाता है। अब एक IMEI पे दो फ़ोन चलते हैं, अब वो दूसरे फ़ोन में हो गया तो वो जाहिर सी बात है वो अप्रूव वाला IMEI उसकी बेसमेंट में चढ़ गया तो वही IMEI इशू कराएगा तो वो अप्रूव कहलाता है वो फ़ोन भी, और उस पर सिम भी चलने लगती है तो फिर पीटीए ब्लॉक कर देता है उसको, फिर पीटीए ब्लॉक कर देता है, जो ओरिजिनल फ़ोन होता है वो भी पीटीए ब्लॉक कर देता है। पीटीए ने जो इकदामात किए उसके बाद से ऑटोमेटिक क्या है, पीटीए ने शायद सिस्टम अपडेट किया है जिसकी वजह से अब पीटीए के सिस्टम में जैसे ही IMEI नंबर दो आते हैं एक जैसे, तो उनके पास GSMA की एक अप्रूव IMEI नंबर होता है जो वर्ल्ड वाइड एक सिंबल है GSMA, तो वो GSMA से जो अप्रूव्ड होता है ना उसको रखते हैं, और जो डुअल होता है, जो फेक होता है या जो इसका MTK बोर्ड वाले IMEI नंबर होते हैं, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से दुकानदार पहले काम करते थे कि जब ये अपग्रेड हुआ PDMS सिस्टम तो शायद ही आहिस्ता आहिस्ता लोग ये काम से दूर हो गए। आम बंदे की तो अब समझ में बहुत मुश्किल आता है, भी ये तो दुकानदार के ऊपर होता है कि वो क्या बोल के उसको दे रहा है, लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि जैसे कोई दुकानदार होता है तो वो अपना ऑफिशियल बिल होता है, जो पक्के दुकानदार होते हैं उनका अपना ऑफिशियल बिल होता है जो प्रिंटेड होता है, उसके ऊपर बिल बना के ले सकते हैं, यही हो सकता है। मेरा ये मैसेज है, जितने भी बेचारे जो लोग दिहाड़ीदार हैं, गरीब लोग हैं, वो ये छोटे फ़ोन लेते हैं,
तो उनके लिए मैसेज ये कि जिस दुकानदार से भी लेना उसको बोले यार पक्की स्लिप दे, साइन करो, उस पर लिखे कि क्लोन नहीं है, कॉपी नहीं है, ओरिजिनल फोन है। वहीं दुकानदार फंस जाएगा, उसको पता है कि यहाँ हमारी मौत है, क्योंकि मार्केट में एसोसिएशन भी होती है, वो काम करती हैं, तो लिखा होगा तो वो एसोसिएशन उसके बिहाफ पे उसको वो क्लेम दिलवाती है। क्लोन फोन को कस्टमर बाय भी कर लेता है तो अल्लाह का शुक्र है मार्केट में जोड़ी जोड़ी एसोसिएशन बनी हुई है, जो हर मार्केट के अपने पत्नी को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन टाइप के लोग होते हैं, वो फिर उसके बाद उस दुकानदार से जाके ये मामला सॉर्ट आउट करवा देते हैं कि यार ये गलत बेच रहे हो, ये चीज़ गलत है। 80% से 90% इस मार्केट में क्लोन फोन का काम खत्म हो चुका है। नए में भी बहुत, दो नंबर ये भी बता दूँ, नए में भी लोग उसको रिपेक करके बेच देते हैं। इसका भी हल यही है कि आप कस्टमर जो भी है वो दुकानदार से पक्की स्लिप लें और उसको पेंशन करवाए कि ये डब्बा बह गया, नॉन एक्टिव है, इसकी वारंटी आज से स्टार्ट हो रही है। कस्टमर भी अवेयरनेस हो गई है उसे भी कि भाई जितना भी फ़ोन है वो लेना चाहिए तो ओरिजिनल और ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड ही लेना चाहिए। ऑफिशियल पीटीए अप्रूव ये होता है जो हम बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, पीटीए जो हम अपनी NIC से भी पे कर सकते हैं और हम पासपोर्ट से भी पे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा, जो फॉरेनर्स होते हैं जिनकी ट्रैवलिंग होती है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है 10-15%, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। हम उसके बाद 8484 पे ड्यूटी बनती है और हम उसको जो भी उनका टैक्स आता है हम उसको पे कर देते हैं। JV अलग चीज़ है, PTA एक अलग चीज़ है। JVA तो ये होते हैं जो फ़ोन पाकिस्तान में सिम लॉक होती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड सिम लॉक होते हैं फ़ोन, जो USA वगैरह में EMI पे जो फ़ोन दिए जाते हैं तो वो वहाँ से जो लॉक होते हैं फिर वहाँ से लोग यहाँ पे बाय करते हैं और फिर वो लॉट सिस्टम होता है और वो यहाँ पे आता है, वो बल्क क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे वो इंश्योर्ड होते हैं, फिर इस तरीके से वो इनका होता है। वो JV फोन बेसिकली लॉक फोन होता है, वो PTA लॉक नहीं होता। अगर आप उसको PTA कराओ तब भी वो लॉक ही है क्योंकि वो फोन JV है। आईफोन यूजर तो आईफोन ही लेता है, वो दूसरा फोन लेता नहीं है। आईफोन की सिक्योरिटी iOS को कोई छेड़ नहीं सकता, वो बड़ा मुश्किल काम है सॉफ्टवेयर वाले के लिए। तो आईफोन में तो PTA होता है या तो नॉन PTA होता है। PTA होगा तो ऑफिशियल अप्रूव होगा जो ड्यूटी पेड होगा, और नॉन PTA होगा तो नॉन PTA ही होगा। मार्केट में 80% से ज़्यादा ही नॉन PTA यूज़ करते हैं। वजह ये है कि PTA की टैक्स बहुत ज़्यादा है। असल में हमारे अगर एक मिसाल के तौर पे हम बाहर से कोई फ़ोन लेकर आते हैं, लेट सपोज आप दुबई में रहते हैं और दुबई से आपके पेरेंट्स में से कोई भी फैमिली में से आपको कोई फ़ोन गिफ्ट करता है तो आपको उसको पाकिस्तान में चलाने के लिए मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी मार्केट में उसकी वर्थ 25,000 पे, तो उसके ऊपर आपको 40,000 पे टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर ये किया जाए, हमने पहले भी हमारी PTA एक्शन कमेटी बनी थी आज से 2018 के अंदर, जब ये PTA का मामला आया था तो हमने हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे ये अपील भी की थी कि जिसकी जो एक्चुअल मार्केट में वर्थ है उस हिसाब से ड्यूटी लगा दी जाए तो हमारे और आपके उसमें रेंज में आ जाएगा और हर बंदा PTA अप्रूव हो जाएगा, इससे क्राइम भी बहुत कम होगा। जो दो नंबर क्लोन फोन चल रहे हैं जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जो PTA का जो आजकल पैच का मसला चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे फ़ोन हैं आजकल, रियलमी, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, सब एक जैसी हैं, एक ही माँ के सारे बच्चे लगते हैं। सब फ़ोन सही हैं, 24-25,000 रुपये की रेंज में आपको फ़ोन मिल जाता है और सब आजकल सब कंपनियों का फोकस कैमरों पर है। उन्हें पता है जी यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो सब जो है वो कैमरा अच्छा ही बना रहे हैं। 24-25,000 के फ़ोन में भी आपको 5,000-6,000 mAh बैटरी मिल जाती है क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत है, तो तीन दिन बैटरी चल जाती है और कैमरा बेस्ट होता है, कैमरे का ऑप्शन भी अच्छा है। तो जो भी जिसका बजट कम है तो वो नए फ़ोन ले 24-25,000 रुपये का। जो बंदा आईफोन नहीं ले पाता है उसके लिए फिर वीडियोस बनाने के लिए आजकल गूगल पिक्सल के भी फ़ोन बहुत अच्छे चल रहे हैं। पिक्सल का कैमरा जो है वो वर्ल्ड टॉप नंबर का कैमरा है, ठीक है, तो वो गूगल पिक्सल की भी किट्स आती हैं वो लोग ले लेते हैं। वन प्लस की किट्स बहुत अच्छी चल रही हैं। फिर कम बजट में आते हैं तो फिर रियलमी के, ओप्पो वालों ने भी फ़ोन बहुत अच्छे देती हैं जो 20,000-30,000-40,000 की रेंज में आजकल लबा बेकार है। आज से अगर हम 7-8 महीने पहले देखें तो वही फ़ोन जो 50,000 और 60,000 पे था वो फ़ोन 40,000 पे भी आ चुका है। सबसे ज़्यादा जो फ़ोन बिक रहा है वो कंपनी के टारगेट के ऊपर बिकता है, कंपनी के ऊपर टारगेट होता है। अब इसके अंदर जो डिवाइस अच्छी निकाल देती है, एक मिसाल के तौर पे अभी रियलमी ने एक निकाला था नोट 50, वो बहुत मार्केट में बिका है, 2 साल की वारंटी दी थी। इसी तरह जो भी कंपनी वो आई थिंक जो 24,000-25,000 रुपये का था, वो 4GB 64GB के रैम के साथ 24 महीने की कंपनी ने वारंटी दी थी, वो बहुत मार्केट में बिका। फिर हम किट पे आते हैं तो किट पे वन प्लस आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है क्योंकि अमेरिकन फ़ोन है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, पबजी गेम वाले भी लेके जाते हैं। आजकल लोग कर भी ये रहे हैं, नॉन PTA आईफोन खरीद लेते हैं क्योंकि आईफोन की जो ड्यूटी है वो 1.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो फिर वो उनको सिर्फ व्हाट्सएप चलाना होता है, अपनी वीडियोस करनी होती, तो एक छोटा सा एंड्रॉइड फ़ोन रख देते हैं, उसका हॉटस्पॉट दे देते हैं और उससे उसका फ़ोन चल जाता है।